वाली है। अब क्या करें हम मैं मरने जा रहा हूँ मैं मरने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं टेहरी डैम, और ये डैम पे जो है दो नदियों का संगम है, भागीरथी और तेलंगाना। ये नंदी है, यहाँ पे द्रौपदी है, यहाँ पे वो है पार्वती, यहाँ पे गणेश जी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह हमारा प्रोग्राम बूढ़ा केदार का था, और हम अभी जो है रास्ते में पहुंचे हैं, पेट्रोल पंप में तेल ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप में तेल नहीं मिल रहा है। यहाँ के पेट्रोल पंप 6 बजे से पहले नहीं खुलते हैं ऋषिकेश के। तो अभी हम यहाँ पे ऋषिकेश क्रॉस करते हुए लक्ष्मण झूला राम झूला की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, देखते हैं कि वहाँ पे तेल मिलता है नहीं मिलता है, वरना आज का प्रोग्राम क्या होता है आगे देखते हैं। हम सुबह 5 बजे घर से निकले हुए हैं, और अभी तक हमको तेल नहीं मिला है। हम सोच रहे थे शायद हमको 24 घंटे पेट्रोल पंप खुला रहेगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं है। 6 बजे से पहले कुछ खुलता नहीं है, और कुछ पेट्रोल पंप ऐसे थे जिनमें पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है। अभी इतना सारा क्राउड है अभी ऋषिकेश में, इतने सारे लोग टूरिस्ट आ पहुँचे हैं, तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे मिस्टर लक्की इंतजार कर रहे हैं कब पेट्रोल पंप खुलेगा और कब हम तेल भरा के यहाँ से आगे निकलेंगे। ऋषिकेश में उत्तराखंड से ज़्यादा जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो HR, दिल्ली, पंजाब, यूपी, सब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली, यूपी और पंजाब यहाँ ऋषिकेश में आके बसने वाला है। सिर्फ चार धाम यात्रा ही नहीं, टेहरी गढ़वाल साइड भी जो जाम लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक। ये टेहरी का द्वार, यहाँ से टेहरी गढ़वाल के लिए रास्ता। अभी हम देवप्रयाग वाले रूट से चार धाम यात्रा से नीचे की तरफ ऋषिकेश की तरफ आते हुए तेल भरवा निकले, क्योंकि हमको सुबह से अभी तक तेल नहीं मिला है, और कुछ ऑटो वाले तो मान ही है। वाह वाह, ऋषिकेश से टेढ़ी गढ़वाल की तरफ का सफर, चारधाम यात्रा जो है हमारे देवप्रयाग वाले रूट में जाती है। ये देवप्रयाग के लिए रास्ता जाता है यहाँ से, और ये टेढ़ी गढ़वाल के लिए। हम अभी नरेंद्रनगर की तरफ बढ़ते हुए वहाँ से फिर टेढ़ी गढ़वाल, टेढ़ी गढ़वाल से घनसाली, घनसाली से बूढ़ा केदार हमारा आज का टारगेट। हम नरेंद्रनगर की तरफ मुड़ चुके हैं, अब नरेंद्रनगर में एंट्री कर रहे हैं हम। ये नरेंद्रनगर की गलियों में काफी बेहतर
सूरज भाई। यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ लिमिटेड, नई टेहरी, टिहरी। ये बोतल में भी तेल की कमी के कारण सूरज भाई बोतल में भी तेल लेते हुए। न्यूट्रल न्यूट्रल जा रही है, न्यूट्रल। हेयरपिन बैंड एकता की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति। जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे ना, जीपीएस के भरोसे मत रहना। जीपीएस ने हमें कम से कम 15 किलोमीटर, मतलब ज्यादा लंबा का रास्ता दिखा दिया। चुप रहो। ये है टिहरी डैम का साइड वाला सीन। उसके लेफ्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा पानी फुल हुआ। ये आपका है टिहरी डैम, ऊपर से देखेंगे। दोस्तों, बूढ़ा केदार के ट्रिप में कभी भी गूगल मैप का सच मत मानना, और ना सूरज रावत का। इसने 6 किलोमीटर शॉर्ट मारने के चक्कर में 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ा दिया है, और हम अभी टेहरी डैम के सामने खड़े हैं। टेहरी डैम उस साइड पूरा जो है भागीरथी और बिलंगना का संगम है, और हम उसके जस्ट इस साइड खड़े हैं और थक चुके हैं। सुबह 5 बजे से चल रहे हैं और अभी 9 बज गया है। ना खाना खाया, ना कुछ खाया। मैं सोचा था बूढ़ा केदार के दर्शन के बाद खाना खाएंगे, और सूरज भैया ने हमको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवा दिया है। अब क्या करें हम? मैं मरने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम आ चुके हैं टेहरी डैम पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेहरी डैम, और ये डैम पे जो है दो नदियों का संगम है, भागीरथी और बिलंगना। जो भागीरथी और बिलंगना का जहाँ पे संगम होता है वो है गणेश प्रयाग नाम से जाना जाता है। पंचप्रयागों में पहले शामिल करने का था, लेकिन शायद गणेश प्रयाग जो है यहाँ पे ये डैम बनने के बाद ही प्रचलित हुआ। तो टेहरी डैम दिख रहा है आपको मेरे पीछे, दिखाइए एक बार सूरज। हम आप पहुंचे हैं सूरज भाई के साथ अपनी धन्नो लिए टेहरी डैम पे, और अब यहाँ से नीचे का टेहरी डैम का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये नीचे पूरा टेहरी डैम, भागीरथी और बिलंगना का संगम। आज के सफ़र में सुबह से जैसे हाल हो रहे थे, पेट्रोल नहीं मिला पहले, इसके बाद टाइम से निकले नहीं। अब गाड़ी पंचर, सूरज भाई पंचर लगवा रहे हैं। सुबह से परेशान आदमी है, पहले 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवाया। सुबह 4 बजे से निकले हुए पंचर का काम करते हुए। सारे सूरज भाई के कारनामे हैं, और अभी चेहरे पे मुस्कान है इनके। पहले सुबह उठे नहीं है। नहीं, ब्रेक दबाओ तुम यार, ये देख लो इस। इनका भी पूरा टायर दबा हुआ है। तुम ब्रेक दबाना क्यों भूल जा रहे हो?
एक साथ दो दो पंचर। बड़ी मुश्किलों से पंचर लगाने के बाद यहाँ पे फिर से वही स्पीड पकड़ ली हमने। काफी अच्छे भाई साहब हमारे 60 रुपए का एक पंचर ले लिया उन्होंने। घनसाली में आगमन, सीमांत घनसाली आगमन, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अब यहाँ पे से रास्ता कहाँ हुआ है, काली से बूढ़ा केदार की तरफ को। घनसाली में तिलवाड़ा आराम से। इसने मेरे ऊपर टूट दिया था एक्चुअली। ये तेलंगाना नदी का छोर है टेहरी डैम का। लास्ट जब आती है यहाँ पे टेहरी डैम, लास्ट का कोना है। और बरसात में जब देखते हैं तो यहाँ तक पूरा टेहरी डैम भर जाता है। और अभी पूरा सूखा है, मात्र भिलंगना नदी। ये घनसाली आ पहुँचे हैं हम, और काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिला घनसाली का। आइए यहाँ विजिट करिए, काफी बेहतरीन है। एक वेल सेटल्ड सिटी बसी हुई है घनसाली। ऊपर से देखने में काफी सुहाना नज़ारा है। यहीं से हम बूढ़ा केदार की तरफ को बढ़ेंगे। रंगीलो मारो ढोलना ढोलना। चमी आला खेतों में धान की रुपाई होते हुए ये धान ले जा रहे हैं खेतों में लगाने के लिए। यहाँ पे खेतों में लग चुका है, धान की रुपाई हो चुकी है। अरे हाँ यार, रोको, ग्रहण करेंगे हम गौमुखी वैष्णवी तीन धारा लाटा, तीन धारा ये लो, तीन धारा में हम जल ग्रहण करेंगे। और ये मिक्सर लकी एक धारा, दो धारा, तीन तीन धारा स्रोत के बाद फिर से तीन धारा स्रोत। बाबा की नगरी में आ पहुंचे पूरे के धारा। ताऊ करना क्या चाहता है। फाइनली हम पहुंच ही गए बूढ़ा केदार मंदिर में। मॉर्निंग के सुबह के 5 बजे निकले थे और काफ़ी अड़चने आई रास्ते में, लेकिन फिलहाल
कैसे ना कैसे करके हम समय से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। और पहुँच गए हैं हम बूढ़ा केदार के मेन गेट में। यहाँ पे जो शूज़ वगैरह हैं वो निकाल के चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हम मंदिर के गर्भ में जब प्रवेश किया, वहाँ काफ़ी बड़ा शिवलिंग जिसमें शिवगण, पार्वती, गणेश और पांचों पांडव बैकुंठ लोग को जाते हुए नजर आए। उनके साथ उनका एक स्वान जिसको कुत्ता कहा जाता है वो भी प्रदर्शित हुआ शिवलिंग में। जो यहाँ के मुख्य पुरोहित पंडित जी हैं उन्होंने, उनके द्वारा पूरा एक चित्रण हमारे सामने रखा गया और काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझाया गया। जब वैकुंठ में गए थे उनके साथ एक कुत्ता था, वो भी यहाँ पे है। जिसके पांच पांडव हैं, नंदी है, वहाँ से द्रौपदी है, ये नंदी है, यहाँ पे द्रौपदी है, यहाँ पे वो है पार्वती, यहाँ पे गणेश जी हैं। मंदिर में आरती करने के बाद जब हम मंदिर परिसर में भ्रमण करने लगे तो सामने पहाड़ों का दृश्य और मंदिर प्रांत में कुछ छोटे छोटे मंदिर दिखाई दिए, जिससे पता चला कि शिवगणों की कुछ टोली यहाँ पे विराजमान हैं और साथ ही नंदी महाराज भी इनके साथ साथ पांच पांडवों के साथ विराजमान हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पाँचों पांडव यहाँ पे विराजमान हैं और साथ ही साथ नंदी महाराज इनके यहीं पे सामने विराजमान हैं महादेव के सामने। और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से इकट्ठा करके जो पांच पांडवों का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। और आप देख सकते हैं मंदिर की दीवार में जो कलाकृति है, प्राचीन कलाकृति, ये महादेव का गर्भ के लिए मेन द्वार और साथ ही साथ उनके साथ विराजमान है माँ शक्ति। चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उत्तराखंड की वादियों में आके कुछ हरा भरा ना दिखे तो वो व्यर्थ है। और मई जून के माह में जो खेतों में धानों की रुपाई होती है वो देखने को मिली, काफ़ी अच्छा दृश्य होता है। यहाँ अभी इतनी भीड़ नहीं है लेकिन बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें जो है काफ़ी महिलाओं द्वारा जो है एक लाइन में कतार में लगे होकर जो रुपाई होती है वो काफ़ी बेहतरीन देखने में जो एक नज़ारा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और वो नज़ारा यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन जो छोटे छोटे खेतों में महिलाओं द्वारा रुपाई की जा रही है वो काफ़ी अच्छा दृश्य था। और दूर कहीं खेत में बैल भी जोते हुए हैं और उसके पीछे आदमी उनको आगे को बैलों को हकाता हुआ और खेत में नीचे महिला रुपाई करती हुई, काफ़ी अच्छा दृश्य है उत्तराखंड का। ये एक यहाँ पे बूढ़ा केदार की एक ख़ास बात ये भी है
कि एक ये जीके के इन मामले में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम है यहाँ पे, और यहीं से आगे को भिलंगना नदी का उद्गम माना जाता है। जो बूढ़ा केदार है यहाँ पे दो नदियों का संगम, बाल गंगा और धर्म गंगा, आगे चल के भिलंगना नदी, और भिलंगना नदी की एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है दूध गंगा। और यहाँ बूढ़ा केदार को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े हैं वापसी इसी के उसकी तरफ। हम जाएंगे भिलंगना नदी में स्नान करने। आ रही आवाज मेरी? हाँ, तो अब हम जा रहे हैं भिलंगना नदी में स्नान करने। आइए आ जाओ। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टेहरी डैम के ऊपर। जब हम बूढ़ा केदार जा रहे थे तो हम टेहरी डैम के सामने से गए थे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं टेहरी डैम के ऊपर से, जो कि हमें 30 किलोमीटर कम पड़ेगा। यहाँ पे जो है टेहरी डैम की सिक्योरिटी पूरी तरह से CISF के हाथों में है, और यहाँ पे हमें CISF द्वारा वीडियो बनाने के लिए मना भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो फाइनली हम वापस ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। ये हमारा ऋषिकेश योगनगरी का रेलवे स्टेशन, और यहीं पे करते हैं वीडियो एंड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।